गाइस वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग थोड़ा अलग है क्योंकि मेरे साथ एक कोलैबोरेशन करने वाला मेरे को मिल गया है। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी सनुपम। तो जैसा कि आप लोग पता है हम धनबाद आए और धनबाद फूड ब्लॉग सीरीज स्टार्ट की है। तो अभी आज मैं फूडी सनुपम मतलब सनुपम नाम है। अच्छा यस, तो मेरा नाम सनुपम है और आज का वीडियो है एसआर डॉट रावण के साथ। एसआर रावण नहीं है, ना ही डॉट है, इट्स मिस्टर रावण। ओके, तो मिस्टर रावण के साथ है। ये नाम क्यों है ये अभी तक मेरे को भी नहीं पता चला है, तो देखते हैं एंड ऑफ द वीडियो में पता चलता है या नहीं। और आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि आज हम लोग स्ट्रीट फूड कवर करने वाले हैं धनबाद में। अगर कोई धनबाद आता है तो वो क्या खाना खाएगा यहाँ पे। मतलब ये चीज सही है कि अगर कोई धनबाद आता है, अगर सिर्फ एक दिन के लिए आता है, घूमने के लिए लोग आते ही है, तो जो भी आता है अगर देखता है हमारी वीडियोस तो हम उसको शायद एक अच्छा रेफरल दे पाए कि यहाँ से स्ट्रीट फूड ट्राई करो और आपके लिए काफी अच्छा होगा। तो चलिए बने रहिए और यस सर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमको आप बताते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ जाने वाले। पहले थोड़ा हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं दूसरे से, थोड़ा चाय पे चर्चा हो जाए क्योंकि ये भी पहली बार मिल रही है और तो थोड़ा होता है ना कि इंसान शर्माते ही रह जाता है। लेकिन एक चीज हमारे साथ ये है कि हम दोनों सेम स्कूल के हैं तो हमारे पास बहुत सारा बातें करने के लिए जो हम लोग ने स्कूल में कभी नहीं किया, नहीं मिले हम लोग। एक तो पहली बात हम राजकमल वाले हैं, कभी साथ में भी नहीं पढ़े यार, हमारा तो स्कूल भी अलग है, ऐसा घुल मिल नहीं पाते हैं थोड़ा मतलब लड़की लोग से। yes. ये प्रॉब्लम थोड़ा राजकमल के बच्चों में। चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। हाँ, और वो मेरी फेवरेट चाय टपरी है धनबाद में, तो इसलिए चलते हैं। आपको चाय पंप लिए और वहाँ चाय पियेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा जब हम लोग फैमिलियर हो जाएंगे तो आगे ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। अपने कैसे भी ब्लॉग अच्छा बनाना है। हाँ, ब्लॉग अच्छा बनाना है, एक अच्छा मैसेज देना है धनबाद वाले लोग को। बस कौन सा मैसेज आने वाला है कि क्या क्या वो लोग खाना खा सकते हैं, अच्छा अच्छा स्ट्रीट फूड। सॉरी मम्मी, कुछ गलत मत समझना, ये सिर्फ ब्लॉग के लिए है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि कार में हम घूम रहे लड़की के साथ एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है? नहीं नहीं, ये बस ब्लॉगिंग के लिए, ये कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन बस एक चैनल के लिए, ठीक है, चिंता मत करना। ये नकली जो दुनिया है ना, कह दीजिए उसको कहीं और बसाएगा। लेकिन मेरा ये रिवाज चलता रह गया, नहीं यहाँ आके चाय का पेमेंट नहीं करना। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं बिग बाजार और बिग बाजार के पास जो स्ट्रीट फूड है वो ट्राई करेंगे। यस yes, तो पहला डेस्टिनेशन हमारा बिग बाजार रहेगा और हम लोग बताते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या खाने वाले हैं। अगर पॉपकॉर्न नहीं खाया अंदर तो बाहर ही हम लोग स्ट्रीट फूड ट्राई करते। और जब स्कूल में कंगाली रहता था, पैसे नहीं रहते थे, तो यहाँ से हम लोग छुपा कर भी लेके जाते थे अंदर खाने के लिए, बट अलाव नहीं करते थे। नहीं नहीं, तब करता था। कैसे यार, मेरा कितना बार स्टार्टिंग में जब बना था तो अलाव करता था, यहाँ से आप लेके जा सकते हो, अभी नहीं करता। कितना बार मेरा लेस का पैकेट रख लिया है। उनसे स्ट्रीट फूड की दुकानें दिखेंगी और पता है सबका एक चीज अच्छा है, सबका जो कलर है ना येलो कलर है। हाँ, सारे जितने भी ठेले जिसको बोलते हैं सारे का सेम कलर है। तो जो पहला हमारा फूड है वो हम लोग ट्राई करने वाले धनबाद का फेमस श्याम ठेले पे भी। भैया बहुत शान है, अपना नाम पहले से फेमस लिख लिया। अब खा के देखते हैं कि हमारे हिसाब से फेमस है कि नहीं। हाँ, ये फेमस है या नहीं। तो यहाँ पे चाट ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। एक हीरापुर में भी है। यस, हीरापुर में एक्चुअली ओरिजिनल वाला है। ओरिजिनल क्या होता है, मतलब सबसे पुराना, वहाँ मैंने ऑलरेडी ब्लॉग किया हुआ है श्याम चाट का। जब हम बहुत छोटे थे, हम यहीं पे बॉर्न एंड बॉटम पे, तो हम वहीं से सबसे ज्यादा चाट खाए, तो वहाँ भी देखे कवर हो पाता है कि नहीं। पहले यहाँ पे ट्राई करते हैं। पता है मेरे साथ क्या इशू होता है, मम्मी अगर घर में नमक भी पूछती है तो वो भी बताना मेरे लिए कितना मुश्किल काम होता है। नहीं नहीं, हमने इस ब्लॉग में सीख जाएंगे कैसे रिव्यू देना और कैसा टेस्ट है, दोनों ही मिलके करेंगे। क्या खाओगे? टिकिया, एक टिक्की चाट बना दो ना। और तुम पापड़ी, एक पापड़ी लो, एक टिकिया लो, ठीक है? ठीक है, चलेगा। एक पाप, भैया काफी बिजी है, फेमस होने का साइड इफेक्ट है। नहीं भैया, एक टिक्की और एक पापड़ी बना दो, तीखा ना। हाँ मेरा तीखा रहेगा, तीखा और खट्टा अच्छे से डालना। ये हम लोगों का चाट आ गया है। चाट काफी बढ़िया है, बहुत स्पाइसी, बहुत अच्छा है। काफी बढ़िया नहीं, लजीज है। लजीज नहीं बोलते क्या? नहीं, इसी को लजीज बोलते, यही लजीज होता है, इससे ज्यादा लजीज और कुछ नहीं हो सकता। यही डेफिनेशन है लजीज। और ये पूरा क्रेडिट है ये भैया का, उधर आप देखो जो भैया इतने फेमस चाट वाला जो है, ये फेमस श्याम चाट वाले भैया। आप कुछ बोलना चाहते हो? कहा बोले भाई? भैया ने बोल दिया कहा बोले, तो
मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। तो आप जब यहाँ पे आओ तो ये चाट को जरूर खाओ। तो अभी हम लोग अपना चाट इंजॉय करते हैं और फिर इसका रिव्यू थोड़ी देर बाद देते हैं। कैसा लगा चाट? चाट बहुत ही लजीज था, बहुत अच्छा था। मैंने आई थिंक एक साल के बाद यहाँ पे चाट खाया और बहुत ही अच्छा लगा, एकदम परफेक्ट। तो हम लोग अभी यहाँ पे खाएंगे अमृतसर के फेमस छोले कुलचे। अगर आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे सब कुछ फेमस है, अनफेमस। हाँ यार, यहाँ देखो फेमस मोमोज, फेमस छोले भटूरे, फेमस अमृतसर, फेमस राज चाट, सब कुछ ही फेमस है। तो ये अभी अमृतसर के फेमस छोले कुलचे हम लोग खाते हैं। तुम पता है तुम काम करो अपने ना चैनल में, पता अपना नाम के आगे फेमस लगा, फेमस पूरी तरह कैसा रहेगा? इससे क्या ना लोगों को कहने की जरूरत नहीं कि हम फेमस है, हम ऑलरेडी फेमस हो चुके होंगे नाम के थ्रू। यस, तो आओ अभी हम लोग छोले कुलचे खाते हैं। हेलो भैया, माइल आपको कभी हंसते हुए देखते हैं? जब भी देखे आपको स्ट्रेस में देखते हैं? तो क्या टेंशन रहता है कि आईटी का रेट पड़ सकता है कभी भी? नहीं सर, ऐसा कोई बात ही नहीं है। अच्छा वाला चलो, जो फेमस छोले कुलचे आप देखो वो वाला फेमस वाला खिला दो हम लोग को। हाँ बहुत से आनी है, फेमस वाला खाना है। I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you सबसे आप शुरू किए हैं मतलब ये दुकान? हमको तो सर ये दुकान करते हो 13 साल हो गया। 13 साल लगता है फेमस होने में? यस, हम लोग एक साल में फेमस नहीं हो पाएंगे, 13 साल हम लोग को भी लगेगा। और अगर तुमको इंस्टेंट फेमस होना है तो नाम क्या आ गया? फेमस पूरी सरूपम और फेमस ऐसा रावण लगाना पड़ेगा। ये अपना कुलचा आ गया है और देखने में इतना टेस्टी दिख रहा है कि, और उतना ही ज्यादा इसमें बटर है, तो ये बटर का अमाउंट आप देख लो कि क्या ही हमारा पेट पचने रहा है। पर अभी हम लोग ये कुलचा को खाएंगे और आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। तो यहाँ छोले भी है साथ में और आई थिंक ये राजमा है ना? यहाँ पे राजमा है। बहुत ही टर्म, जो मैं नया टर्म बता रही हूँ, और मुंह में जाते साथ पूरा मेल्ट हो चुका, बहुत गर्म भी है तो पता खाने में दिक्कत हो रहा है। तो जो भी धनबाद आते हो ये बी बाजार के सामने का अमृतसर का फेमस कुलचे बिल्कुल भी मिस मत करना, जरूर से जरूर खाना, हाईली रिकमेंडेड। हम लोगों ने यहाँ पे कुलचा खा लिया है, कुलचा के बाद अब जाते हैं हम लोग हीरापुर, क्योंकि वहाँ का भी स्ट्रीट फूड काफी फेमस है। और मैंने अपना पूरा बचपन का 15 साल हीरापुर में ही गुजारा है, तो अब हम लोग ट्राई करेंगे हीरापुर का स्ट्रीट फूड। तो चलिए आपको मिलते हैं हीरापुर में। Say yeah, I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. तो अब हम लोग आ चुके हैं हीरापुर। आपको क्राउड देख के पीछे पता ही चल गया होगा कि आज कोई क्राउड नहीं है। हाँ, नॉर्मल क्राउड भी देख के कि हीरापुर मार्केट है, चारों तरफ मार्केट है। और यहाँ पे हम लोग खाने वाले श्याम चाट का गोलगप्पा। ये नहीं खाएगा। तो शादी पार्टी में भी ऑर्डर कर सकती है तुम। यस, अपने शादी में इस चीज को बुलाएंगे गोलगप्पा के लिए, और तुम्हारे भी शादी में। नहीं तुम नहीं बुलाओगे ना बिना प्याज वाले? क्या हो गया? पानी कम दीजिएगा भैया, थोड़ा नहीं हो गया। मान जाओ सानू का बारिश में थोड़ा ये सिल गया, पर आलू का टेस्ट अच्छा है और ओवरऑल ठीक ठाक है, उतना मज़ेदार नहीं है पर ठीक है। बारिश के कारण ऐसा हो गया, बारिश के कारण मॉइस्चर लग गया। हीरापुर और रणधीर वर्मा चौक के बीच में जो बहुत सारे स्टॉल्स लगाते हैं उसमें से एक स्टॉल है, और ये अभी हम लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे कि कैसे। अच्छा, मेरे को लग रहा है मैं सालों बाद आज वेज चाउमीन खा रही हूँ, इससे पहले बरसों पहले भी वेजिटेरियन लोग के साथ आए तो वेज चाउमीन खाना पड़ रहा है। अब जो लोग नॉन वेज खाए ही नहीं उन्हें कैसे पता चलेगा क्या बेटर है?
पर वेज चाउमीन अच्छा है। वेज में समोसा चाट उसके अलावा कुछ नहीं, नूडल्स वगैरह सब कुछ नॉन वेज। इतना सारा आइटम है यार वेज में, इसको बताओ कोई। नॉन वेज में क्या है, बताना सारा है, क्या बोलते हैं चिकन है। ये सारे वेज आइटम के बीच में नॉन वेज ही है। एग रोल, चिकन रोल, एग चौमिन, चिकन चौमिन। तो चलो हम लोग खाते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। बताते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा क्या। तो अभी हम लोग आ गए हैं अपने थर्ड लोकेशन पे जो कि है सिटी सेंटर, और यहाँ हम लोग ट्राई करने वाले हैं मोमोज। यस, यहाँ पे हम लोग ट्राई करने वाले मोमोज। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं पर अब हमारे पेट में उतना जगह नहीं बचा है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे फेमस मोमो ट्राई करेंगे। और जो धनबाद में पहला मोमो आया था वो भी यही सिटी सेंटर में ही आया था और यही भैया लेके आए थे। यस, और उस टाइम शायद हम क्लास 11th या 12th में होंगे तब पहली बार यहाँ पे मोमोज खाए थे और बहुत टेस्टी, और खा के मन तृप्त हो गया था। तो आज हम लोग ये मन तृप्त यहाँ वापस से करेंगे और यहाँ का मोमो ट्राई करेंगे। तो चलिए भैया बनाइए। फूड ब्लॉगर का भी लाइफ बहुत मुश्किल है क्या? बहुत मुश्किल है। अच्छा फोटो लेना, अच्छा फोटो खींचो, अच्छा वीडियो बनाओ, बोलो, सारा का सारा काम एक ही साथ करना है। ये मेरा है वेज मोमोज और इसका है चिकन मोमो। तो अभी हम लोग यहाँ चिकन वाले क्या ज्यादा अच्छा पता है वेज मोमोज होता है। अभी हम लोग ट्राई करेंगे कि कैसा है चिकन मोमो और साथ में वेज मोमो भी ट्राई करेंगे। मोमो ज्यादा अच्छा होता है। अरे तो इनको कैसे, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है जिन्होंने चिकन नहीं खाया है उन्हें कैसे पता है वेज मोमो ज्यादा अच्छा है। टेस्ट तो बहुत अच्छा है और मेरे को लग रहा है कि मैं यहाँ पे मोमो आई थिंक 10 साल के बाद खा रही हूँ। बहुत पहले जब मोमो फर्स्ट टाइम आया था तब मैंने इसी स्टॉल में खाया था। मेरा भी फर्स्ट यहीं पे था। और तुम कितने दिनों बाद यहाँ पे मोमो खा रहे हो? 8 दिन बाद। हम 8 और 10 साल के बाद और ये 8 दिन के बाद, बस इतना ही डिफरेंस है, पर टेस्ट बहुत ही अच्छा है। वेज ट्राई करो तो कैसा लगा? वेज ठीक। नॉन वेज के सामने कुछ नहीं क्योंकि हम वेज मोमो खाते नहीं है, पर टेस्ट अच्छा है। वापस रखो। नहीं अब खा ही लेते यार मेरे मोमोज। लेकिन देखो नॉन वेज वालों के साथ फायदा है, मेरे साथ नो शेयरिंग। तुम वेज वालों के साथ शेयर करना पड़ेगा, नॉन वेज के साथ कोई शेयरिंग नहीं है, पूरा मोमो मेरा है। सही बात है यार, मतलब हमारे साथ ये प्रॉब्लम होता है कि हमें शेयर करना पड़ जाता है। भाई ला देखे तेरा कितना टेस्टी है, बट ऑब्वियस है हमारा ज़्यादा टेस्टी रहता है। बिल्कुल नहीं, मेरा वाला ज़्यादा टेस्टी है। वेज कमेंट में बताएं कि आपको वेज ज़्यादा अच्छा लगता है कि नॉन वेज। आपको कौन सा मोमो ज़्यादा पसंद है, चिकन या वेज, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मेरे सपोर्टर्स प्लीज चिकन मोमो लिखना, वेजिटेरियन हो गए तब भी। ये चीटिंग वाला वेज वेज वेज। शाम को अगर आपको टाइम पास करना है तो आप सिटी सेंटर, बिग बाजार, बैंक रोड जरूर जाएं। चहक महक करने का मतलब है कि इनको अच्छी अच्छी लड़कियां यहाँ देखने को मिलती होगी, बिग बाजार में भी देखने को मिलती होगी। नहीं नहीं ये बात नहीं है, मतलब लोग यहाँ बहुत अच्छे अच्छे दिखते हैं आपको। यस, तो आप आओ यहाँ पे जरूर। लड़के अच्छे अच्छे नहीं मिलते क्या यहाँ पे? हाँ, कल से मैं भी आऊँगी शाम में चहल पहल देखने के लिए, तो फिर बताऊँगी अच्छे अच्छे दिखते हैं। दिखते हैं दिखते हैं दिखते हैं। तो गाइज हमने बहुत कुछ खाया और हम चाहते थे बहुत कुछ खाना, पर अब हमारा पेट हमारे बस में नहीं है और कुछ खाने के लिए। तो इस ब्लॉग को आई थिंक हमें यहीं खत्म करना चाहिए। और अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग और कुछ फूड ट्राई करें तो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ ऐसी ऐसी चीजें जहाँ की चीजें हम ट्राई कर सकते हैं। हाँ। कि आप यहाँ की ये चीज ट्राई करो। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और प्लीज दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करो।